पीसीबी ने श्रीलंका क्रिकेट के प्रमुख शम्मी सिल्वा के इस बयान पर निराशा जताई है कि हाल ही में हुए पाकिस्तान दौरे पर कड़े सुरक्षा इंतजाम के कारण उनकी टीम को काफी परेशानी हुई। श्रीलंकाई ने कराची में 3 मैचों की वनडे सीरीज और लाहौर में 3 मैचों की T20 सीरीज खेली। T20 सीरीज में उसे 3-0 से जीत मिली। कोलंबो लौटने पर सिल्वा ने मीडिया से कहा कि श्रीलंकाई क्रिकेटर 3 से 4 दिन होटल में बंद रहकर उकता गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सूत्र ने कहा कि उन्होंने सिल्वा के बयान सुनने के बाद श्रीलंका क्रिकेट से नाराजगी जता दी है। सूत्र ने कहा कि पीसीबी इन बयानों से काफ़ी निराश और राहत है। सूत्र ने कहा, श्रीलंकाई टीम को आला दर्जे की सुरक्षा उसके बोर्ड के कहने पर ही मुहैया कराई गई थी। हम उनके दौरे को सुविधाजनक भी बनाना चाहते थे। पीसीबी ने श्रीलंकाई अधिकारियों से कहा कि खिलाड़ियों को गोल्फ खेलने के लिए बाहर जाने और शॉपिंग के भी विकल्प दिए गए थे। इसके अलावा उन्होंने आधिकारिक कार्यक्रमों और डिनर में भी शिरकत की थी। इस खबर में बस इतना ही।